एवरीवन, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्याज हम हर चीज में डालते हैं, सब्जी हो या ग्रेवी हो या सालन हो, हम हर किसी में प्याज का यूज करते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि प्याज हमारी बहुत ही ज्यादा हम काट लेते हैं, जिससे इस तरीके से हम यूज नहीं कर पाते, तो हम इसे डायरेक्टली फ्रिज में इस तरीके से रख देते हैं, तो ये दूसरे दिन बिल्कुल भी काम नहीं आती, पूरी सूख जाती है। तो अब इसे हम किस तरीके से फ्रिज में स्टोर करें कि ये एज इट इज रहे, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है किचन टॉवल, और अब हम करने वाले हैं ये प्याज को इस तरीके से रैप, जिससे ये खराब नहीं होगी और अच्छे से हम इसे फ्रेश ही रख पाएंगे फ्रिज में। और इस तरीके से बंद करने के बाद आप फ्रिज में रख दीजिए, तो ये आसानी से आपकी 2 से 3 दिन तक भी रह सकती है। और आपको ये करना है कि ये एक टॉवल, अगर अपना किचन टॉवल गीला हो गया तो आप इसे दूसरे में रैप कर दीजिए, तो ये एज इट इज रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे और बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए अभी डाउनलोड करें द बोलो ऐप अपने गूगल प्ले स्टोर से, और पाएं अपने सारे सवालों के जवाब, जैसे कुकिंग से रिलेटेड, ब्यूटी से रिलेटेड, मेकअप से रिलेटेड, या आपके कोई भी सवाल हो आप इस ऐप में पूछ सकते हैं। लिंक ऐप का दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।